बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉलीमर्स, गिव देयर जनरल क्लासिफिकेशन। पॉलीमर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे छोटे मोनोमर्स पे मुश्तमिल होते हैं। उन मोनोमर्स को की रेपिटेशन से पॉलीमर बनते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन यह है कि ये दो तरह के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक में डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड है। ऑर्गेनिक में बायोपॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर है। बायोपॉलीमर में हमारे पास लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड है और सिंथेटिक पॉलीमर में प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, रबर है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो किसी भी पॉलीमर के अंदर जितने जो है वो मोनोमर होते हैं, जितने रिपीटिंग यूनिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसका फार्मूला है कि मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू मोलर मास, मॉलिकुलर मास ऑफ द मोनोमर इनटू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डीपी मीन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर इज चेन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर। काइंड ऑफ मोनोमर के लिहाज से पॉलीमर की जो टाइप्स हैं वो तीन हैं, होमो पॉलीमर, को पॉलीमर और टर पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स पे मुश्तमिल हो, ओनली सिंगल यानी कि सेम टाइप होमो पॉलीमर। जो टू काइंड ऑफ मोनोमर पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम बोलते हैं को पॉलीमर, और जो थ्री काइंड ऑफ मोनोमर पे मुश्तमिल है उसको हम बोलते हैं टर पॉलीमर। तो ऐसा पॉलीमर फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमो पॉलीमर। ये देखें, विनाइल एसीटेट है, इसकी होमो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास होमो पॉलीमर पॉलीविनाइल एसीटेट जो है वो बन जाता है। इसके बाद है जी, को पॉलीमर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो मोनोमर पे जो मुश्तमिल है इस कॉल्ड को पॉलीमर, इसको हम जो है वो को पॉलीमर कहते हैं। इसके बाद है जी, हमारे पास नेक्स्ट जी टर पॉलीमर है। पॉलीमर फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड टर पॉलीमर। कम्बिनेशन ऑफ ब्यूटाइल एक्रिलेट, मिथाइल एक्रिलेट और एक्रिलिक एसिड जो है ये हमारे पास टर पॉलीमर देते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ऐसे हैं जो इनको हीट करने पे जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा करने पे जो है वो हार्ड हो जाते हैं। इनको जो है वो रीमोल्ड यानी कि अगेन एंड अगेन यूज भी किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल पीवीसी के जो पाइप्स हैं हमारे जो, ये और टेफलान इसकी एग्जाम्पल है। पॉलीमर विच बिकम हार्ड, जो हार्ड हो जाते हैं हीट करने पे और सॉफ्ट नहीं किए जाते, यानी कि बार बार जो है ये सॉफ्ट नहीं होते और इनको जो है वो आप रीमोल्ड दोबारा से जो है नई शेप में जो है नहीं लेके जा सकते, इसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बैकलाइट, अपॉक्सी रेजिन इसके एग्जांपल हैं। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन एडिशन जो है, मैकेनिज्म ये है कि ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान से बांड टूटेगा, आपके पास जो है फ्री रेडिकल बन जाएगा। पहले तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट बनेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो अल्काइल फ्री रेडिकल। ये प्रोपेगेशन है, ये स्टाइरीन है, अल्काइल फ्री रेडिकल जो है इस पर अटैक करेगा, इसके नतीजे में ये कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये कार्बन फ्री रेडिकल नेक्स्ट दूसरे स्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स से मिलेगा और फिर ये चेन जो है वो चेन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा और इस तरह ये स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन से पॉलीस्टाइरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये स्टॉप तब होगा जब दो फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल मिलेंगे, तो इसके नतीजे में ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से ये फ्री रेडिकल फेड हुआ हुआ, यहाँ पर डॉट ऊपर आएगा फ्री रेडिकल का। वाट आर डिफरेंट डिफरेंट एडिशन पॉलीमर एंड देयर यूजेस। ये सारे सारे हमारी इस बुक के अंदर जितने भी एडिशन पॉलीमर हैं इनको समझने का तरीका कार ये है कि ये ऐड हो जाते हैं, ये सारे एडिशन पॉलीमर हैं, ये सारे ऐड अप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पीवीसी है, तो ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंट यूजेस ऑफ पीवीसी एंड गिव इट्स प्रेपरेशन। तो ये विनाइल है, विनाइल यहाँ विनाइल के साथ जो है क्लोरीन लगा दें, विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये फ्लोर कवरिंग के अंदर, पाइप्स के अंदर, ग्रामोफोर रिकॉर्डर में यूज होता है। पॉलीस्टाइरीन में सेम मैकेनिज्म है, ये एडिशन है, डबल बॉन्ड वाले सारे एडिशन वाले हैं, ये एडिशन पॉलीमर है। इसका ये यूज होता है फूड कंटेनर वगैरह के अंदर, पैकिंग मटीरियल के अंदर और प्लास्टिक टॉयज वगैरह बनाने में। पॉलीविनाइल एसीटेट ऊपर हम होमोपोलीमर में भी इसकी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ये होमोपोलीमर की एग्जाम्पल भी है कि ये होमोपोलीमर हमारे पास एडिशन पॉलीमर की ही एग्जांपल है।
तो ये विनाइल, विनाइल का सिर्फ एक ट्रिप टिप बताना है कि विनाइल का सी या विनाइल में सी या लगा दोगे तो विनाइल क्लोराइड है, C6H5 लगा दोगे तो स्टाइरीन है, एसीटेट लगा दोगे तो विनाइल एसीटेट है, CN लगा दोगे तो इसको ऑर्लॉन भी बोलते हैं या एक्रिलिक रेजन भी बोलते हैं। तो ये विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल एसीटेट बन जाएगा, ये डहेसी मटीरियल और इम्पल्शन फॉर पेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये ऑर्लॉन जो है, दिस इज योर ऑर्लॉन, और ये ऑर्लॉन की जो पॉलीमराइजेशन से हमारे पास जो है विनाइल ये बन जाएगा एक्रिलिक रेजन या ये ऑर्लॉन। नेक्स्ट है जी एक्रिलिक रेजन, एक्रिलिक रेजन या ऑर्लान के है, ये पोली पॉली एक्रिलो नाइट्राइल भी इसको जो है बोलते हैं। ऑर्लान जो है इट इज फाउंड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एक्रिलो नाइट्राइल की, सॉरी पॉलीमराइजेशन से हमारे पास बनता है ऑर्लान। तो ये प्लास्टिक और कार इंडस्ट्री के अंदर और ये वेदर रेजिस्टेंट पेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। टेफलान जो है इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ये डाइफ्लोरोथाइलीन के जरिए के नतीजे में बनता है टेट्राफ्लोरोथाइलीन कंपाउंड। अब ये जो टेट्राफ्लोरोथाइलीन कंपाउंड है ये इस्तेमाल होता है HF को स्टोर करने के लिए, नॉन स्टिकी जो है कुकिंग पैन वगैरह बनाने में इसकी जो है यूजेज है। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये सारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जो है वो एग्जाम्पल्स है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो मोनोमर जो है कंबाइन करते हैं विद टू फंक्शनल ग्रुप कंबाइन विद द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर और अमोनिया। इसके एग्जाम्पल है जी एपॉक्सी रेजन, या अक्सर भी क्वेश्चन आ सकता है जी एपॉक्सी रेजन जो है यहाँ पे हमारे पास है ये एपी क्लोरोहेड्रिन और डाइफिनाइलोल प्रोपेन। ये थर्मल स्टेशन पावर को जो है वो पेंट करने के लिए विद एपॉक्सी पेंट्स, डैम्स, ब्रिज वगैरह को जो है वो पेंट करने के लिए यूज करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर की जो है अगले वाली एग्जांपल जो है ये पोलिस्टर रेजन है। पोलिस्टर रेजन जो है बनता है 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइकोल की जो है वो पॉलीमराइजेशन से। ये थाइलीन ग्लाइकोल है, ये हमारे पास 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है या टर्फेथैलिक एसिड है। ये इससे जो है वो है जो इससे एच जाएगा वाटर और जो हमारे पास एस्टर लिंकेज बन जाएगा। ये पोलिस्टर है, ये वाटर टैंक बनाने में समर क्लॉथिंग और विंटर क्लॉथिंग के लिए यूज होता है। पॉलीमाइड रेजन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर ही है। इसकी नायलॉन 6,6 भी इसको कहते हैं, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी हुआ नायलॉन 6,6 आर कॉल्ड सो। तो हमारे पास जो है 6 कार्बन है, ये देखें जी वन और टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बन देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है जिसमें टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसी तरह हेक्सामिथाइलिन डाइमिन ये भी 6 हैं। इन दोनों की पॉलीमराइजेशन से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ हमारे पास जो है वो पॉलीमाइड जो है रेजन बन जाएगा। ये एज अ टेक्सटाइल फाइबर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाटर कार्बोहाइड्रेट्स गिव देयर यूजेस, गिव इट्स फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका क्या है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा जो है वो एच ग्रुप हो और एल्डिहाइड कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनका जनरल फार्मूला CXH2Y। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स गिव इस एग्जांपल, मोनोसैकेराइड्स क्या है, ये सिंपल शुगर होते हैं जो मतलब मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एग्जाम्पल इसके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एक एल्डोल शुगर है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये देखें। फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटो शुगर है जिसके अंदर ये कीटो कार्बोनाइल है, इसके ऊपर और नीचे CH यानी कि कार्बन लगा हुआ है। यहाँ कार्बोनाइल की एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है। 6 मेंबर ग्रुप है ये, 6 मेंबर जो है वो ये रिंग है। इसमें हम देखते हैं ये भी 6 मेंबर है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें इसमें कीटोनिक ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिफरेंशिएट बिटवीन सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज जो है दैट इज दी पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी अगर पूछ ले कि व्हाट डायसैकेराइड्स या ग्लूकोसैकेराइड्स क्या हैं, डायसैकेराइड्स क्या हैं, तो डायसैकेराइड्स जो है ये दे आर द पॉलीमर ऑफ
मोनोसेक्राइड्स। तो यहाँ पे एक सुक्रोज कैसे बनता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज की पॉलीमराइजेशन से। यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बाउंड, तो इसमें भी यही वाली एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान जो बाउंड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। माल्टोज क्या है, पॉलीमर ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक टूगेदर बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर यही है कि दो ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से माल्टोज और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलने से सुक्रोज। डिफरेंस बिटवीन माइलोज एंड माइलोपेक्टिन, माइलोज जो है वो पानी के अंदर हल होती है, सॉल्युबल इन वाटर है, माइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ डीप ब्लू कलर देती है और माइलोपेक्टिन जो है वो गिव नो कलर विद आयोडीन। नेचुरल स्टार्च के अंदर जो है वो 10 से 20% माइलोज है और नेचुरल स्टार्च के अंदर जो है 80 से 90% माइलोपेक्टिन है, माइलोपेक्टिन। तो इसके बाद जी हमारे पास अगला सवाल है, ये जी अमाइलोज जो है ये देखें जी, अमाइलोज अनब्रांच्ड है यानी कि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अमाइलोपेक्टिन को देखो, इसमें जो है ब्रांच है। अब अमाइलोज के अंदर जो है देखें 1,4 लिंकेज है, यानी कि एक ग्लूकोज का 1 है, कार्बन 1 के साथ 1 है और दूसरी जो है वो इसका 4 है, यानी कि इसका देखें तो 1 और यहाँ पे बॉन्ड है 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 1, 2, 4 जो है वो इसका लिंकेज है। यहाँ पे देखो 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज है, यानी कि ये अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच जो है वो स्ट्रक्चर है। सेलुलोज क्या है, पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का ज्वाइन करता है 1,4-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से और ये एक अनब्रांच है, यानी कि इसमें ब्रांच नहीं है। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का ज्वाइन करता है 1,4 और 1,6 के, यानी कि माइलोपेक्टिन की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और ये एक ब्रांच पॉलीमर है और इस इट इज आल्सो कार्ड एनिमल स्टार्च इज मेनली अकर इन लिवर एंड मसल सेल। इसको हम जो है वो एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है सेम है जो माइलोपेक्टिन का है। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये इसको चेंज किया जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बाय हीट चेंज इन पीएच अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कंडीशन। इसका यानी कि पीएच जो है वो चेंज करने से, हीट करने से, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने से जो है प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि जो हम अंडा पकाते हैं तो उस अंडे के अंदर जो व्हाइट कलर की एल्ब्यूमिन होती है उसको आप एक दफा पका लें तो दोबारा कुक कर ले तो दोबारा अपनी उसकी पोजीशन में नहीं आ सकती। तो ये इसकी इनिशिएशन की एग्जांपल है। व्हाट इज प्रोटीन, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। प्रोटीन जो है एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो अमीनो एसिड देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे। इसकी 3 टाइप्स हैं, सिंपल प्रोटीन है, कंपाउंड प्रोटीन है, ड्राइव प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन जो है जो सिर्फ हाइड्रोलिसिस पे अमीनो एसिड दें, कंपाउंड प्रोटीन है जिस जो अमाइनो एसिड के साथ जिसमें जो है कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप भी हो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के साथ जो है लिपिड है, लिपो प्रोटीन है, फास्फोरस है, फास्फो प्रोटीन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राइव प्रोटीन, दोज कंपाउंड प्रोटीन। तो ये थे यानी कि कंपाउंड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है दोज प्रोटीन विच कंटेन सम नॉन प्रोटीन ग्रुप आर कॉल्ड कंजुगेट प्रोटीन, लिपो प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन इसके एग्जांपल हैं। ड्राइव प्रोटीन ऐसे हैं जो ड्राइव्ड हैं, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेट प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन आर कॉल्ड ड्राइव प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल एंजाइम्स, पेप्टोन्स एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन की, ये प्रोटीन जो है इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम्स विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन इन नेचर। कैसिन जो है ये यूज होती है मैन्युफैक्चर ऑफ बटन एंड बकल्स, बकल्स बनाने में। सो इसकी इंडस्ट्रियल और दोनों इंपॉर्टेंस कवर हो जाती हैं। लिपिड जो है वो हाइड्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो कि पानी के अंदर हल नहीं होते बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन ईथर के अंदर हल होते हैं। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, सिंपल कंपाउंड और ड्राइव्ड। ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, एग्जाम्पल इसकी फैट और ऑयल है सिंपल लिपिड जो है। दे कंटेन सम रेडिकल इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन इसकी एग्जाम्पल है।
रेड प्रोटीन आर द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड, इसके एग्जाम्पल स्टीरॉयड्स और विटामिन डी है। फैट्स और ऑयल में क्या फर्क है? फैट्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है या सेमी सॉलिड है। इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये कम रिएक्टिव होते हैं ऑयल से। दे आर सैचुरेटेड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता फैट्स में। ऑयल जो है लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फैट से और ये अनसेचुरेटेड होते हैं। स्पोनिफिकेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो सो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन के लिए ये एक सिंपल स्ट्राइक ग्लिसराइड्स है, इसको जो है हम ग्लिसराइड्स बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो कास्टिक सोडा ऐड कर दें तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल वापस रिकवर हो जाएगा, और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड को हम ऐड करते हैं, यानी कि सोप के बनने के अमल को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ मिलीग्राम जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के जो रिक्वायर होते हैं 1 ग्राम जो है फैट को या ऑयल को जो है स्पोनिफाई करने के लिए, इसको हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। इसकी जो एग्जांपल है स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइपामिटेट का जो है 208 है। आगे जी हार्डनिंग ऑफ ऑयल, कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू सेमी सॉलिड फैट इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। यहाँ पे देखो ये ऑयल है जिसमें डबल बॉन्ड है, ये ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट है। यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कार्बन 7 और 7-14 कार्बन है। इसमें आप जो है वो हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, यानी कि ये CH2 देखें बढ़ेंगे, पहले 7 और 7 14, 14 और 2 ये वाले हमारे पास, तो ये हमारे पास 14 टू 16 जो है वो ये बन जाएंगे। तो ये सिंपल ग्लिसरॉल है और यहाँ आप कार्बन जो है बढ़ा देने हैं, 7 इधर ऐड करके आगे आपने डबल बॉन्ड लगा देना है, 9-10 कार्बन में जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसके बाद जो है फिर 7 आ गई कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं जिसके नतीजे में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। आयोडीन नंबर क्या? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट विल ऐड टू 100 ग्राम ऑफ ऑयल इज कॉल्ड आयोडीन नंबर। 100 ग्राम आयोडीन के अंदर इट्स जस्ट लाइक ब्रोमीन टेस्ट, यानी कि ये अनसेचुरेशन को चेक करता है। आयोडीन नंबर जो है अगर 0 है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एसिड नंबर, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट, यानी कि 1 ग्राम फैट या ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम यूज होंगे उसको हम एसिड नंबर बोलते हैं। स्टीरॉयड्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्टीरॉयड नेचुरली अक्रिंग जो है वो कंपाउंड है, इसके अंदर जो है वो 4 फ्यूज रिंग है, यानी कि देखें 3 बेंजीन की रिंग है और एक जो है वो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलते हैं पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफ्रेंथ्रीन का जो है ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 17 कार्बन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये है कि इट्स जस्ट लाइक, यहाँ पीछे की तरफ देखें तो ये कोलेस्ट्रॉल स्टीराइड्स की तरह का ही है, लेकिन इसमें जो है क्या है जी, यहाँ पे जो हम पे आर था इसमें कार्बन जो है लगे, यानी कि ये ग्रुप सारे का सारा नया लगा है, और इसमें जो है थोड़ी सी जो है वो ड्राइव्ड फॉर्म है, यहाँ डेरिवेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ हुआ है। इसको आप अगर गौर से देखें तो इस पोजीशन के ऊपर यानी कि 6 कार्बन लगे हैं, और यानी कि और 6 कार्बन और ये एक जो है वो ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप इसको 7 कर लें तो 7 कार्बन और सेकंड पोजीशन पर जो है वो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये स्टीरॉयड का जो है हमारे सामने स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंस क्या? लिपिड की गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, खुराक को जो है वो खुशगवार बनाता है, प्लेटेबल का मतलब खुशगवार, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंजाइम्स क्या है? गिव इट्स करेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम जो है वो क्या है, एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताएं भाई, तो एंजाइम जो है दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वाट आर एंजाइम गिव इट्स करेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन द लिविंग सेल्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन व्हिच मींस दैट एंजाइम जो है वो विल एक्ट ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, एक खास तरह का एंजाइम का जो ग्रुप है खास तरह का रिएक्शन को जो है कैटलाइज करता है, इसको हम बोलते हैं आइसो एंजाइम। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, स्पेसिफिक इन एक्शन है, खास तरह का एंजाइम खास तरह के सबस्ट्रेट पर काम करेगा। एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं,
क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इसकी यह है कि इसको हम जो है वो सिक्स जो है वो क्लासेस में जो है डिवाइड करते हैं। पहले वाला ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन काज करता है, ट्रांसफरेज जो फंक्शनल ग्रुप की ट्रांसफर करता है, हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करता है, लाइएज जो एडिशन या रिमूवल ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स करता है, आइसोमरेज जो है एक एंजाइम ऐसा है आइसोमरेज जो है जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करता है, लाइगेज दो दो जो है यानी कि लिंक करता है मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंस को, उसको हम बोलते हैं लाइगेज। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजनेज जो है ये रेज करता है रिकट हार्ट डिजीज के अंदर, इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजनेज, अल्कलाइन फास्फेटेज जो है रिकट्स के अंदर जो है वो, और जॉइंटस के अंदर यटकान के अंदर जो है वो ये बढ़ जाता है। थ्रम्बन जो है ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। एल एस्पार्जिनेज जो है ये यूज़ करते हैं ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बच्चों में। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है? इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस और शुगर होता है, यानी कि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूरीन और यानी कि इस पायरिडीन में क्या फ़र्क है? प्यूरीन के अंदर जो है वो एडिनिन और गवानिन होता है और इसका स्ट्रक्चर है। प्यूरीन जो है दैट इज टू रिंग स्ट्रक्चर। पायरिमिडीन जो है इसके अंदर साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल है, यानी कि CTU है। साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल जो है ये पायरिमिडीन है और ये सिक्स मेंबर रिंग है जिसके अंदर दो नाइट्रोजन के। व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑफ DNA? मैकेनिज्म ऑफ डुप्लीकेटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसको हम जो है वो रेप्लिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, RNA सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। DNA के अंदर शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज है, RNA के अंदर शुगर जो है वो राइबोज है। नाइट्रोजन बेसिस जो है उसमें थायामीन है, गवानीन, साइटोसिन और एडिनिन है। नाइट्रोजन बेसिस जो है इसके अंदर इसकी जगह पे जो है वो थायामीन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर केमिस्ट्री के।